दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव का आगाज लगभग हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजनीतिक दल अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। चुनाव आयोग अपनी तरफ से चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। हालांकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके चलते चुनाव आयोग को इतनी ज़्यादा मशक्कत तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मतदाता सूचियों का अंतिम रूप देना, उसके अंदर लोग जुड़ना कि तमाम काम भी चलते हैं और इसको लेकर के चुनाव आयोग की तैयारियां भी चल रही हैं। यानी कि जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में है तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी चुनाव आयोग ये भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के अंदर राजनीतिक दलों के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीति बनाई जाती है और उस रणनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है, भले ही राजनीतिक दल अपनी बातों में ना कहें, भले ही कोई भी राजनीतिक दल ये कहता हो कि वे जाति समाज धर्म और इस सब की बात नहीं करते, पाल गोत्र की बात नहीं करते, लेकिन इंटरनल बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम राजनीतिक दल जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटों का बंटवारा करते हैं और तमाम जो समाज होते हैं, जातियां होती हैं, वो अपने अपने दावे पेश करती हैं। आप मान सकते हैं कि आज करनाल के अंदर सिख समाज ने दावा कर दिया हरियाणा के अंदर कि हमें 18 से 20 सीट दी जाएं। दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि जिस प्रकार की हालांकि जातिगत जनगणना हरियाणा के अंदर नहीं है, देश के ज़्यादातर हिस्सों में नहीं है, केवल अगर बिहार को छोड़ दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी मोटा मोटी अनुमान रहता है कि कौन सी कास्ट की, कौन सी जाति की कितनी वोट हैं। तो अगर हरियाणा का सिनेरियो अगर देखें तो हरियाणा के अंदर जाट समाज और दलित समाज के बाद में जो सबसे प्रभावी भूमिका में आता है वो पंजाबी समाज है। जो सबसे अधिक जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है वो पंजाबी समाज है, और जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी और 2019 में भी मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि जाट और गैर जाट समाज की बात भी आती है, लेकिन इसके अंदर भी पंजाबी समाज को वरीयता दी गई। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब राजनीतिक समीकरण की बात आती है, जातिगत समीकरण की बात आती है, बंटवारे की बात आती है, तो उस सब में वो अधिकार कई बार किसी समाज को नहीं मिलते जिसकी दरकार होती है, और उसका पॉलिटिकल रूप से फायदा और नुकसान भी हुआ करता है राजनीतिक दलों को। मैं आपसे आज इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करने चला हूं दो प्रमुख व्यापारी समाजों की जो हरियाणा के अंदर अपनी महती भूमिका रखता है। पंजाबी समाज और अग्रवाल समाज, और दोनों समाज अब की बार अपने अपने दावे कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक रूप से किसी मंचों से सीधे बात नहीं आ रही, लेकिन जो सामाजिक संगठन है, पंजाबी समाज से जुड़े हुए या अग्रवाल समाज से जुड़े हुए या ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए, वो सभी अपनी अपनी मांग कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। और जो मैंने आपको बताया कि हरियाणा का जातिगत जो समीकरण है, अगर उस पर नज़र दौड़ाई जाए तो जाट समाज और दलित एससी समाज के बाद में, यानी कि जाट एससी बीसी और इसके बाद में पंजाबी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है। हालांकि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, मैंने पहले कहा कि जातिगत सर्वे तो नहीं होते, लेकिन जो मोटा मोटी अनुमान लगाए जाते हैं उसके हिसाब से देखें तो हरियाणा के अंदर पंजाबी समाज की संख्या, पंजाबी समुदाय की, जिसमें कि केवल खत्री और अरोड़ा ये दो जोड़े जाते हैं, तो उसको लगभग 9% है। लेकिन पंजाबी के साथ में जब पंजाबी समाज की बात जोड़ी जाती है तो केवल खत्री अरोड़ा ही नहीं, इसके साथ में तमाम पंजाबी समाज को जोड़ा जाता है जो पंजाबी भाषी है या पंजाबी कल्चर से जुड़े होते हैं। विस्थापन के बाद में जिन जिन लोगों ने जो पंजाबी संस्कृति से विस्थापन किया, उनके अंदर पंजाबी समाज के अंदर पंजाबी ब्राह्मण भी आते हैं, पंजाबियों में दलित भी होते हैं, यानी कि वाल्मीकि भी आते हैं पंजाबी समाज में, पंजाबी समाज में रोड़ और राजपूत भी आते हैं, पंजाबी समाज में बीसी भी आते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार वीडियोस में कहा था कि राज बब्बर जो चुनाव लड़े वो पंजाबी सुनारा हैं, तो पंजाबी ब्राह्मण, पंजाबी बीसी, पंजाबियों के अंदर अगर जो राजपूत और राजपूत हैं वो दलित समाज में आते हैं। इस सब के लिहाज से अगर पंजाबी भाषी को गिना जाएगा तो मोटा मोटी इसका अनुमान लगभग 18% तक जाकर बैठता है। लेकिन अगर खत्री अरोड़ा की बात भी करें तो भी ये लगभग 9%, यानी कि हरियाणा के अंदर सबसे प्रभावी भूमिका में है। जाट, दलित और बीसी समाज के बाद में पंजाबी समाज का नंबर आता है।
और अगर राजनीतिक भागीदारी की बात करें और जो अगले इलेक्शन में क्या हो सकता है उस पर जाएं, तो उससे पहले जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, मैंने आपको पंजाबी समाज का बताया, साथ साथ जोड़ना जरूरी है क्योंकि मैंने अग्रवाल समाज और ब्राह्मण समाज की बात भी की थी। तो हरियाणा के अंदर लगभग अग्रवाल समाज जो वैश्य समाज है लगभग वो 5% होता है और लगभग 5.5-6% के आसपास ही ब्राह्मण समाज है। लेकिन जहां तक टिकटों के बंटवारे की बात आती है तो फिर पंजाबी और अग्रवाल समाज की अगर तुलना करें तो दोनों समाज को, यानी कि पंजाबी समाज को भी 9 और अग्रवाल समाज को भी 9 सीटों पर कैंडिडेट मिले थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की ही कि बीजेपी के लिए कास्ट समीकरण साधना कितना जरूरी होगा और उसका कितना असर हो सकता है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2019 के चुनाव में जिन पंजाबी नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया था, जिनको अपना प्रत्याशी बनाया था, वो 9 नेता थे। करनाल से मनोहर लाल को टिकट मिला था, हालांकि अब मनोहर लाल MLA से रिजाइन हो चुका है, वो सांसद बन चुके हैं और मनोहर लाल के स्थान पर नायब सिंह सैनी बन चुके हैं करनाल के विधायक। लेकिन 2019 में जिन्हें टिकट मिला वो करनाल से मनोहर लाल खट्टर थे, अंबाला कैंट से अनिल विज थे, रोहतक से मनीष ग्रोवर थे, थानेसर से यानी कि पेहवा से सुभाष सुधा थे, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा थे, जींद से डॉक्टर मिड्डा थे, विनोद भयाना को टिकट मिला हांसी से, प्रमोद विज को टिकट मिला पानीपत सिटी से। और अगर इसके अंदर ये 8 नाम हुए, अगर इसके अंदर एक नाम और जोड़ लें तो फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा सीट जहां से टिकट मिला सीमा त्रिखा को। और अगर सीमा त्रिखा के रूप बारे में देखें तो सीमा त्रिखा जो उनके पति हैं अश्विनी त्रिखा, वो पंजाबी ब्राह्मण समाज से आते हैं, हालांकि सीमा जी खुद जो हैं वो पंजाबी समाज से थीं। लेकिन इनको भी जोड़ लें तो कुल मिलाकर के 9 सीटें पंजाबी समाज को मिली, जिनकी की खत्री अरोड़ा अकेले जिनकी कैलकुलेशन लगभग 9% है। और अगर अग्रवाल के समाज की बात करें जिनकी लगभग 5-5.5% है वैश्य अग्रवाल समाज की, तो उनको भी 9 टिकट मिले। दीपक मंगला पलवल से मिले, नरेंद्र गुप्ता फरीदाबाद से मिले, सुधीर सिंगला गुरुग्राम से मिले, ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से मिले, कमल गुप्ता हिसार से मिले, घनश्याम दास सर्राफ को मिला टिकट भिवानी से, असीम गोयल को टिकट मिला अंबाला सिटी से, कविता जैन सोनीपत से थी और सिरसा का टिकट भी अग्रवाल समाज को मिला। और अगर जीतने का रेशियो देखें तो जो 9 पंजाबी समाज के लोगों को टिकट मिले जिनमें सीमा त्रिखा भी है, तो उनमें से 8 सीट जीती और एक कैंडिडेट हार गए मनीष ग्रोवर रोहतक से। और अगर अग्रवाल वैश्य समाज की देखें तो फिर वैश्य समाज के 7 विधायक चुनाव जीते और 2 सीटें हार गई, कविता जैन और सिरसा की सीट, ये भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों को हारी। अब अगर आगे की बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2019 में एक फैक्टर और था कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का मुख्यमंत्री चेहरा थे, मुख्यमंत्री चले भी आ रहे थे और मनोहर लाल के नेतृत्व में चुनाव भी हो रहा था। लेकिन अगर जब आगे की बात आती है 2024 की, जिसके अंदर की अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और नायब सिंह सैनी को ही CM फेस घोषित कर दिया गया है, ऐसे में क्षेत्रवार अगर जाएंगे और जातिक समीकरण पर देखेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी होगा सारे समीकरण साधना। मैं आपको अगर दक्षिण हरियाणा की बात ही कर लूं, दक्षिण हरियाणा जिसके अंदर की फरीदाबाद जिला हुआ, पलवल जिला हुआ, गुरुग्राम जिला हुआ, रेवाड़ी जिला हुआ, महेंद्रगढ़ यानी कि नारनौल जिला हुआ और नूह मेवात जिले हुए, इन जिलों के अंदर जिनमें लगभग 28 विधानसभा की सीटें आती हैं, इन 28 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने खत्री अरोड़ा समाज के किसी भी नेता को 2019 में टिकट नहीं दिया था। और अगर जाए मतों की संख्या तो फिर फरीदाबाद 89 यानी कि फरीदाबाद जो शहर की सीट है उसमें पंजाबी समाज की संख्या बहुत प्रभावी संख्या में है, पंजाबी बाहुल्य मान सकते हैं इसको। अगर अगली जाए तो फिर बड़खल विधानसभा जहां से सीमा त्रिखा विधायक हैं, लेकिन मैं बात खत्री अरोड़ा की आ रही थी, अगर तो वहां पर सीमा त्रिखा को टिकट मिला, वहां पर भी दावा पंजाबी समाज का है, चलो उनको माना जा सकता है, और पंजाबी समाज की वोटर वहां पर बहुत बड़ी संख्या में है। NIT के अंदर पंजाबी समाज की बड़ी संख्या है, बड़खल विधानसभा के अंदर पंजाबी मतदाता लगभग 25,000 से ज़्यादा हैं। अगर आगे चलें तो फिर पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर पंजाबी मतदाताओं की संख्या लगभग 20,000 के आसपास जाती है। अगर आगे चलें तो गुरुग्राम विधानसभा के अंदर पंजाबी बाहुल्य सीट रही है।
आगे चलें तो फिर पटौदी के अंदर, वहां भी पंजाबी बड़ी संख्या में, हालांकि वो सीट रिजर्व है। अगर उससे आगे जाएं तो रेवाड़ी सिटी, रेवाड़ी सीट के अंदर लगभग 30,000 से ज़्यादा पंजाबी मतदाता हैं। महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर बड़ी संख्या है, लेकिन इस सब के बावजूद किसी भी खत्री अरोड़ा नेता को भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिला था। और अगर वैश्य अग्रवाल समाज की बात करें तो वैश्य अग्रवाल समाज को इन दक्षिण हरियाणा की सीटों में, दक्षिण हरियाणा की सीटों में 4 सीट मिली। और 4 सीटों में आप देख सकते हैं कि भिवानी की सीट मिली घनश्याम सर्राफ को, उसके साथ में पलवल का टिकट मिला दीपक मंगला को, फरीदाबाद का टिकट मिला नरेंद्र गुप्ता को, और गुरुग्राम का टिकट मिला सुधीर सिंगला को। ये 4 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य अग्रवाल समाज को दिए, लेकिन पंजाबी समाज के नेताओं को यहाँ पर पे वो अस्तित्व, वो वजूद नहीं मिला जो उनका हक बनता था। और इस चुनाव में 2024 में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जातिगत समीकरण बहुत मायने रखेंगे। अगर दक्षिण हरियाणा की ही हम बात कर चलें, आगे बाद में बढ़ सकते हैं, तो दक्षिण हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में कई प्रभावशाली पंजाबी नेता है और कई नेता पार्टी छोड़ गए थे। अगर आप छोड़ने वालों में गिने तो आप फरीदाबाद में प्रवेश मेहता को ले सकते हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, भारतीय जनता पार्टी में रहे थे। अगर और आप आगे चलें तो फिर गुरुग्राम के अंदर देख सकते हैं ग्रोवर फैमिली थी, और जिन लोग जो पार्टी में भी साथ रहे और जिनकी महती भूमिका हो सकती है उनमें आप माने तो अगर कद्दावर नेताओं में सुभाष कत्याल हैं, पलवल विधानसभा से पलवल के विधायक रहे हैं, दावेदारी उनकी भी रही है। अगर आप जाएंगे रेवाड़ी के अंदर तो रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा असरदार और रसूखदार एक समाज बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुग्राम के अंदर अगर मोहित ग्रोवर को जोड़ा जाता तो एक मजबूत नेता बन सकते हैं वो भी। यानी कि पूरा सब एरिया जो है दक्षिण हरियाणा का, इसके बाद आप देखें तो फिर चाहे वो पूर्वी हरियाणा है, चाहे वो जीटी रोड बेल्ट है, चाहे वो सिरसा वाला एरिया है, इन सब के अंदर पंजाबी मतदाताओं की प्रभावी संख्या है जिसको अब की बार नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और मैंने आपको सिख समाज की बात आपको बताई ही, इसी प्रकार से अगर देखें तो फिर वो ब्राह्मण समाज की बात आती है। अगले वीडियो में मैं आपसे पूरी ब्राह्मण समाज पर ही चर्चा करूंगा कि ब्राह्मण समाज को कितनी टिकट मिली और वो कहां कहां प्रभाव रखते हैं। अगला विधानसभा चुनाव जो 2024 का होना है उसके अंदर खासकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जातिगत समीकरण साधना जरूरी होगा। इसमें तो मैंने आपसे बात की दक्षिण हरियाणा की कि किसने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के की तरफ से टिकट में तवज्जो दी गई, या बीजेपी के अंदर कितने नेता भारतीय जनता पार्टी में पंजाबी और वैश्य समाज के आगे बढ़े। अगले वीडियो में आपसे मैं कांग्रेस की चर्चा भी करूंगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कितने नेताओं को वजन दिया। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव के अंदर जातिगत समीकरण कितने मायने रखते हैं? आपको क्या लगता है कि चुनाव में क्या जो राजनीतिक दल कहा करते हैं क्या उसी पर चलते हैं, और या फिर जो इंटरनल कंडीशन होती हैं उसके अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सी कास्ट वाइज कैसे सीट साधी जाएं? और एक आपसे प्रमुख सवाल जो मैं कई बार किया करता हूं कि हरियाणा के अंदर अब की बार चुनाव में मुकाबला कैसा होगा, क्या कांग्रेस बीजेपी आमने सामने होंगी या कोई तीसरा मोर्चा भी आ सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना।